नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे चैनल इंडियन ट्रेन की जानकारी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज जो नई ट्रेन जानकारी है वह है पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस। हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे यह गाड़ी कितने बजे चलती है और कितने बजे पहुँचती है। साथ में इसके रूट की बात करेंगे और कोच और किराया की भी जानकारी देंगे। यह सब जानकारी देने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर 12024 है। यह गाड़ी पटना जंक्शन से हावड़ा जंक्शन के बीच में रविवार के दिन छोड़कर सभी दिन चलती है। पटना जंक्शन से हावड़ा जंक्शन के बीच की दूरी 532 किलोमीटर है। यह गाड़ी इस दूरी को 7 घंटा 55 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 67 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा है। इस गाड़ी में LHB कोच लगी हुई है। इस गाड़ी को पूर्व मध्य रेलवे जोनल ऑपरेट करती है। इस गाड़ी की पहली सेवा नवंबर 2003 को आरंभ हुई थी। यह गाड़ी पटना जंक्शन से चलकर पटना साहिब, बख्तियारपुर जंक्शन, बार, मोकामा जंक्शन, हतीदा जंक्शन, लखीसराय जंक्शन, जमुई, झाझा, जसीडी जंक्शन, मधुपुर जंक्शन, जामतारा, चितरंजन, आसनसोल जंक्शन, दुर्गापुर होते हुए हावड़ा जंक्शन को जाती है। यह गाड़ी पटना जंक्शन से सुबह 5:30 पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और 7 घंटा 55 मिनट का यात्रा तय करते हुए हावड़ा जंक्शन को दोपहर 1:25 पर 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। इस गाड़ी को की कुछ की बात करें तो इसमें AC चेयर कार और सेकंड सीटिंग के कुछ लगे हुए हैं। इस गाड़ी के टिकट किराए की बात करें जो कि पटना जंक्शन से हावड़ा जंक्शन के बीच तक का है, AC चेयर कार 790 रुपया, सेकंड सीटिंग 225 के करीब है। इस गाड़ी का सटीक टिकट किराया जानने के लिए रेलवे के काउंटर में आप लोग जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। और भी किसी ट्रेन की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।